हाय गाइस, वेलकम कुछ नहीं ए राधले का वीडियो सॉन्ग का 2 मिनट का 19 सेकंड का ग्लिम्स आया है। मैं आप सबको चीख कर कहना चाहती हूँ कि रिसेंटली मैंने जितने भी गाने सुने थे उन सभी गाने में से इररेस्पेक्टिव ऑफ लिरिक्स की कोई भी समझ ए राधले इज माय बेस्ट फेवरेट म्यूजिक बन गया है। नो नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, द म्यूजिक सेज एवरीथिंग एक्चुअली गाइस। उसका इसका वीडियो जितना भी अच्छा होना, वो जो एनिमेशन का वीडियो था उसको भी कोई बीट नहीं कर पाएगा। मतलब मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तो मेरे सामने उसी का वीडियो आता है। समुंदर में ऐसे गाड़ी घुस जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसके वीडियो में क्या है। So guys, let's do it. मुझे तो थोड़े लिरिक्स याद भी है। जान के साथ थोड़ा सेम ही है वीडियो। हाँ, वीडियो थोड़ा नहीं पूरा ही सेम ही लग रहा है। हाँ, ये तेलुगु में आएगा और हिंदी में आएगा, लेकिन दिस वन इज द बेस्ट वन यार, इसको दे दो। ये तो बहुत छोटा है हिंदी में। हाँ, ये नहीं है उसमें, ये बस का सीन नहीं है, ये नहीं, ये है। Epic song, epic this one. Beauty. एडिटिंग बहुत फास्ट किया गया है इसमें। रोक नहीं पाया कुछ को। ओह, दिस स्टोरी इज माइंड ब्लोइंग। कर दिया यार। गाइस, आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि पूरे गाने में हम लोगों ने गाने का लिरिक्स रिपीट किया है और आपको डिस्टर्ब किया है। गाना तो वैसे भी T-Series तेलुगु में मौजूद है, तो आप तो रिएक्शन ही देखना चाहते हैं, तो यही हमारा रिएक्शन है कि हम खुद को रोक नहीं सकते गाने को लिपसिंग करने के अलावा। जाने मेरी और ए राधले एक ही वीडियो है, लेकिन ये तेलुगु में है और हिंदी में है, लेकिन ये जान है मेरे से 100 गुना बेटर है यार। मतलब 4K गुना बेहतर है। 4K वीडियो है तो 4K मतलब ए राधले जस्ट ऑसम। उस टाइम भी मतलब दिल छू गया था, अभी भी। अरिजीत का सोच लिया एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं इस मामले में। लेकिन ए राधले गाना स्पेसिफिकली जस्ट बहुत बढ़िया है। जब ये गाना मुझे बिना लिरिक्स समझने के और प्रोनाउंसिएशन भी बिना ठीक होए, मतलब गलत प्रोनाउंसिएशन के भी मुझे ये पूरा याद हो जाने वाला है। जैसे कि पुष्पा का सामी गाना या वांडा गाना, जो हिंदी में भी रिलीज हुआ है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर इंडिया में बस वो जो ओरिजिनल तेलुगु वाला भाषण है वही चल रहा है चारों तरफ, तो उसका कुछ अलग ही मैजिक सा है। हाँ, इसमें भी ऐसे होगा। तेलुगु वर्जन का जो लिरिक्स है वो ऐसा लगता है कि वही ओरिजिनल है। हिंदी का गाना सुन के भी उतना मजा नहीं आता जितना सामी का तेलुगु वर्जन सुन। सेम थिंग विल हैपन विद ए राधले, मतलब वो अरमान मलिक के बहुत अच्छा गाया है, लेकिन This one is magical. लेकिन इसका कैसे हिंदी हुआ? म्यूजिक भी सेम नहीं है ना, तभी तो ये कृष्णा का मालूम नहीं। पिक्चराइजेशन थोड़ा सेम लग रहा है। पिक्चराइजेशन सेम है, इसको बहुत छोटे में शेयर किया है, इसलिए थोड़ा फास्ट है और वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है। इसका एडिटिंग भी बहुत फास्ट है, स्क्रीन प्ले भी फास्ट है, इसीलिए ऐसा है। सो गाइस, beautiful Pooja Hegde and handsome Povas. तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कैसा लगा इस गाने को जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वैसे तो हर ऑडियंस में एक RRR, KGF, राधे श्याम सबका एक बहुत बड़ा हाइप है, लेकिन जो लोग थोड़ा शांत से होते हैं जिन्हें रोमांटिक फिल्म देखना ज्यादा पसंद होता है तो, उनके दिल में आई गेस राधे श्याम के लिए इंतजार बहुत ज्यादा होगा। और जो ट्रेलर मैंने देखा था, मतलब इतने रोमांटिक फिल्म में एक इतना बड़ा तूफान, तो मैं तो इसी फिल्म का इंतजार कर रही हूँ, मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।